नमस्कार, कैसे हैं आप सब। अभी अभी हम सब ने दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया है और दिवाली के 2 दिन बाद आता है भाई दूज का त्योहार। भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह के प्रतीक का पर्व भाई दूज की कथा इस प्रकार से है। छाया भगवान सूर्यदेव की पत्नी है, जिनकी 2 संतान हुई, यमराज तथा यमुना। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ही स्नेह करती थी। वह उनसे सदा यह निवेदन करती थी कि वे उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण यमुना की बात को टाल जाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीय को यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन के लिए बुलाया तो यमराज मना ना कर सके और बहन के घर चल पड़े। रास्ते में यमराज ने नरक में रहने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। भाई को देखते ही यमुना बहुत हर्षित हुई और भाई का स्वागत सत्कार किया। यमुना के प्रेम भरा भोजन ग्रहण करने के बाद प्रसन्न होकर यमराज ने बहन से कुछ मांगने को कहा। यमुना ने उनसे मांगा कि आप प्रतिवर्ष इस दिन मेरे यहाँ भोजन करने आएंगे और इस दिन जो भाई अपनी बहन से मिलेगा और बहन अपने भाई को टीका करके भोजन कराएंगी, उसे आपका डर नहीं रहेगा। यमराज ने यमुना की बात मानते हुए तथास्तु कहा और यमलोक चले गए। तभी से ये मान्यता चली आ रही है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीय को जो भाई अपनी बहन का आतिथ्य स्वीकार करते हैं, उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए।